यानी पहले तो असातिज़ा हमें बैंक में मदद करते हैं, राइट, तो बैंक तैयार करने में। फिर उसको लेकर हम यहाँ पर जो चीफ एग्जामिनर है और उसकी डिप्टी, सिर्फ वो दो इन्वॉल्व होते हैं, उनको सिलेक्ट करके यानी पर्चे का वो जो फॉर्म है, हैयत है, उसको देने में। फिर वो लोग बाहर भेजते हैं जामिया उर्दू, वहाँ पे जामिया उर्दू की वेटिंग होती है पूरी तरह से, कुछ तजवीज़ें पेश करते हैं, क्या बदलना होता है, सब कुछ हो जाता है। तो आखिरकार यहाँ पे फिर यहाँ से प्रिंटिंग होती है, पर्चों की तैयारी जब शुरू होती है, उसी वक्त हम इम्तिहानात की तारीख को हम रखते हैं। अब उसी बिना पे हम फीस डिसाइड करते हैं, फीस क्या होगी और उनकी यानी कलेक्शन कैसे होंगे, राइट, वो सब हम वहाँ पे तैयार करते हैं, प्रेस कम्युनिके के ज़रिए यानी लोगों को इतला करते हैं, ये सब होता है। वैसे तो नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट में फीस जमा होती है, जो लोग यानी एक एक करके आते हैं वो लोग यहाँ जमा करते हैं, लेकिन हमने सहूलत के लिए हर इलाके में जहाँ जहाँ पे इनकी पढ़ाई होती है उन असातिज़ा को हम ये मौका देते हैं कि वो वहाँ पर कलेक्ट करे, फीस को जमा करे, फिर हम जाकर वहाँ से उन इकट्ठा कर लेते हैं। इसलाह कुछ पर्चे यहीं पर होते हैं, उसके लिए पैनल कायम होता है। इन इम्तिहानात के लिए कम से कम फीस की दरख्वास्त होती है जिनसे अखराजात मतलब के कॉस्ट चुकाए जा सके। इम्तिहान को ऑर्गेनाइज करना आसान काम नहीं है, इस महंगाई के ज़माने में काफ़ी चीज़ें बढ़ गई हैं, फिर भी हमने जहाँ तक हो सका फीस को वैसे ही रखा, और हम फीस उतने ही लेते हैं ताकि वो यानी कॉस्ट को कवर करे, राइट। इससे ये एक ऐसा अदारा है जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, राइट, तो हम इसको फीस को हम यानी ज़्यादा नहीं रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यानी हमारे यहाँ आकर उर्दू पढ़े और उर्दू सीखे, इम्तिहान में हिस्सा लें। उर्दू स्पीकिंग यूनियन न सिर्फ इम्तिहानात की तैयारियों में बल्कि नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट की दीगर सरगर्मियों में भी हाथ बटाता है। उर्दू स्पीकिंग और नेशनल इंस्टीट्यूट की जो ताल्लुक जो है, ये जो है देखिए इंस्टीट्यूट की कोशिशों से ही उर्दू स्पीकिंग कायम हुआ, ये बहुत ज़रूरी बात है। तो अब दोनों उर्दू स्पीकिंग हो या इंस्टीट्यूट हो, तो दोनों इदारों का ऑब्जेक्टिव उर्दू ही है, उर्दू का फ़रोग है, राइट। तो लेकिन इंस्टीट्यूट जो है ज़्यादा एग्ज़ाम्स पे कंसंट्रेट करता है, और जाहिर है कि उर्दू स्पीकिंग यूनियन का ताउन के साथ साथ। अब ताउन कैसे होता है कि जैसे कि एग्ज़ाम्स के टाइम पे जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं तो बच्चे को जैसे कि रिजल्ट्स निकलता है, और हमारा एक सालाना एक्टिविटी है कि तकसीम इनामात जो है सालाना जो है वो हम साथ मिलकर इंस्टीट्यूट के साथ करते हैं। मकसद क्या है, प्राइज़ गिविंग का मकसद क्या रहता है कि बच्चों को मोटिवेट की जाए, तो ये हम साथ देते हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि मोटिवेट की जाए। मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इम्तिहान ले, उर्दू सीखें। देखिए हम खुशकिस्मत हैं इस मुल्क में जहाँ सरकार खुद देख सबसे पहले एजुकेशन फ्री है, और दूसरी बात यह है कि प्राइमरी से लेकर टर्शरी लेवल तक उर्दू सिखाई पढ़ाई जाती है। ये हम बहुत खुशकिस्मत हैं मॉरिशस में रहते हुए। अब हम उसकी कंपीट नहीं कर सकते, लेकिन हम जो है पैरेलल काम करते हैं, हम टीचिंग में नहीं जाते हैं, लेकिन जो सरकार कर रहा है उसको हम उसके अलावा और भी बच्चों को इंकरेज करने मांगते हैं। हमारा रोल ये है कि उर्दू को एक्सपोज की जाए, बच्चों को इंकरेज किया जाए, तो ये हमारा रोल है इंस्टीट्यूट और उर्दू स्पीकिंग मिलजुल के साथ साथ। हम लोग CPE का कोचिंग भी शुरू किए थे फॉर द फर्स्ट टाइम, फ्री कोचिंग, फ्री क्लासेस, और आपको ये भी पता होगा कि काफ़ी लोग, काफ़ी बच्चे उसमें हिस्सा लिए थे, पार्टिसिपेट किए थे। वी हैड जैसे कि कुल मिलके 300 के ऊपर बच्चे यानी कि रजिस्टर्ड हुए थे, और क्लासेस हो रहे थे यानी कि 14 सेंटर्स में अक्रॉस द आइलैंड, किसी एक जगह में नहीं, ऐसे कि इंस्टीट्यूट में या उर्दू दिनों में नहीं, लेकिन चारों तरफ क्लासेस हो रहे थे, 14 सेंटर्स थे, और 5 महीना तक चलते रहा, और मुझे लगता है कि इट वाज़ ए सक्सेस। उसका रेस्पॉन्स बड़ा अच्छा रहा, लेकिन ये भी हम जैसे कि हम फैसला किए, हम इंशाल्लाह मिनिस्ट्री का भी ताबून उसमें
लेंगे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, चूँकि वो लोग भी फैसिलिटेट करते हैं ऐसे जो है ऐसे इनिशिएटिव्स को, तो उनके उनका ताउन भी लेंगे और इंशाल्लाह विल ट्राई टू रीच मोर चिल्ड्रन। उर्दू ज़बान हमारी तहजीब की पहचान है, इससे हमारी खुद की शख्सियत तकमील होती है। बच्चों को उर्दू सीखने में दिलचस्पी का मुजाहिरा इसलिए करना चाहिए कि एक तो उनकी शख्सियत की तामीर हो जाएगी, एक और ज़बान हासिल करने में ये उनके लिए मुफीद साबित होगा, और तीसरा ये भी हो सकता है कि ये तहजीब से जुड़ी हुई ज़बान है, तो इस तनाज़ुर में हमारी उर्दू जो है वो ज़िंदा व पाइंदा रह जाएगी, वो कभी भी फना नहीं होगी, और ये हमारे लिए एक शान की बात है। उर्दू ज़बान क्यों सीखते हैं? एक मुअल्लिम की हैसियत से मैंने अपने बच्चों को अक्सर ये कहता रहता हूँ कि उर्दू एक बहुत अहम ज़बान है हमारे लिए, और इसके ये एक ऐसी ज़बान है जो न सिर्फ छोटों की ज़बान है बल्कि बड़ों की ज़बान है। और उर्दू के सिलसिले में जो बात मैं सबसे अहम समझता हूँ, न सिर्फ उर्दू के लिए बल्कि जितने भी यहाँ पर ज़बान हैं, हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगू, ये तहजीबी ज़बान हैं जिनके ज़रिए हम अपनी तहजीब को सीखते हैं। और इस सिलसिले में एक बहुत अहम बात यह है जो मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ, वो ये कि किसी भी ज़बान, किसी भी कौम को ज़िंदा रखने के लिए या किसी भी मज़हब को ज़िंदा रखने के लिए ज़बान की बहुत ज़रूरत है। और इसके सिलसिले में किसी ने बहुत खूब कहा है कि अगर हम किसी कौम को, किसी तहजीब को मारना चाहें तो उसकी ज़बान को मार दें, ज़बान को मारने से वो तहजीब खुद बहुत ख़त्म हो जाती है। हमारे सामने कई सी मिसालें हैं जहाँ हम देखते हैं कि जिन तहजीब की ज़बान नहीं है वो तहजीब, वो कौम मुर्दा है। तो उर्दू के सिलसिले में सबसे अहम बात यह है कि अगर हम अपनी तहजीब को, अपने आप को ज़िंदा रखना चाहते हैं तो हम इस ज़बान को सीखें, क्योंकि उर्दू ही के ज़रिए हमारी पहचान है और इसी के ज़रिए हम अपनी तहजीब को, अपने कल्चर को बरकरार सकते हैं। बच्चे जो भी पसंद करें सब्जेक्ट जो है, शौक़ पे बात है, चंद लोग अंग्रेज़ी, चंद लोग आजकल कई यानी कि दूसरे ज़ुबानों का शौक़ है, उर्दू का भी वो लोग शौक़ से शायद पसंद करेंगे। अच्छा, उसका स्कोप क्या है कि देखिए, एक तो अगर टीचिंग में जाने मांगे, टीचिंग के अलावा कई यानी कि तरीके हैं उर्दू के फ़रोग करने के लिए। उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि उर्दू हमारे मज़हब से काफ़ी जुड़ा हुआ है, राइट? उर्दू कैसे आई मॉरिशस में, अगर आप सोचें तो मदरसे के ज़रिए से आए। हमारे बाप दादा जो इंडिया पाकिस्तान से आए उस टाइम पे, तो वो लोग यानी कि तालीम, बच्चे जो सीखने मदरसे में जा रहे थे अरबी कुरान सीखने के लिए, साथ साथ उनको उर्दू भी सिखाया जा रहा था, ताकि उर्दू के ज़रिए, चूँकि अपनी ज़ुबान है, सब कंटिनेंट की ज़ुबान है उर्दू, ठीक है, हमारे मज़हब की ज़ुबान जो अरबी है, अब ये अपने जगह पे, लेकिन चूँकि हम लोग सब कंटिनेंट के हैं और ये हमारी तहजीब है, उर्दू, हिंदी जो भी है अपना अपना जो है, तो इसके ज़रिए से हम अपने मज़हब को, अपनी तहजीब को ने कि हमारे लिए और भी आसान होता है समझने के लिए, तो उस टाइम पर शुरू हुआ। तो लाइक वाइज के बच्चे जो है अगर दिलचस्पी उठाते हैं, लगाते हैं उर्दू में, तो इनकी भलाई के लिए है, ताकि वो अपने अपना मज़हब समझे बेहतर, यानी कि समझ पाएँ एक, और अपनी तहजीब भी, अपना कल्चर भी, हमारी हमारे कलाम जो बाहर से आते हैं उनकी तकरीरें समझ पाएँ, और ये तो रिलीजियसली स्पीकिंग, नहीं तो फिर कल्चरली स्पीकिंग, जो आपके जो गज़ल गो आते हैं, कवालियाँ आते हैं, महफिल नात होते हैं, काफ़ी उर्दू काफ़ी एक्सपोज है, अच्छे अच्छे आपके उर्दू के ड्रामे भी होते हैं जहाँ आपकी तहजीब का उस पर हो रहा है, तो वो सब समझ पाएंगे। और उर्दू आज सच, आई मीन इट्स टुडे, आजकल का ज़माना ऐसा है, जो भी आप सीखें, जो भी ज़ुबान भी आप सीखें, इज़ एन एसेट। नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से मुनक़िदा इम्तहानात के बाद हर साल इम्तहानात के सिलसिले में इन इम्तहानात में शामिल असातिज़ा के साथ एक ब्रीफिंग सेशन इनेकाद किया जाता है। सबसे ज़रूरी चीज़ यह है, ये पोस्टमार्टम जिसे कहते हैं, राइट? हम जनवरी के महीने में आखिर तक जब नतीजा निकल जाता है, सबको मिल जाता है सब कुछ, तो दौरान इसलाह हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, देखते हैं बच्चों की कमज़ोरियाँ किधर है और कहाँ काम ठीक से हुआ है और किस तरह से नतीजे को बेहतर बना सकते हैं, पढ़ाई में और भी यानी बेहतर तरीके से पढ़ाई की तदरीस की जा सके।
राइट। तो इस वजह से हम एक ब्रीफिंग या वर्कशॉप हम मुनाकिद करते हैं और सभी असातिज़ा को बुलाते हैं। सभी असातिज़ा जो लोग कबल इब्तदाई से लेकर कामिल तक पढ़ाते हैं, इसमें इन्वॉल्व है पूरी तरह, उन सबको बुलाते हैं। इम्तिहानात के लिए निसाब दरकार है, निसाब के लिए किताबें ज़रूरी हैं। जब इम्तिहानात जामिया उर्दू अलीगढ़ से होते थे, वहीं से पर्चे आते थे, तो जितने निसाब थे वहीं से आते थे। उन लोगों की मर्ज़ी थी, जो चाहते थे हम मजबूर होकर वही असबाक, वही निसाब, वही सिलेबस इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब से हमारे ज़िम्मे में ये सब आए तो हम खुद सिलेबस बनाते हैं। पहले हम चंद असबाक ले लेते हैं मुख्तलिफ, और उसको मजमुए के तौर पर बनाकर निसाब में शामिल कर देते हैं। बच्चों का मैयार, हाँ ये सब देखना होता है कि हमारे यहाँ मैयार जो है बहुत कम है। हिंदुस्तान या पाकिस्तान के उम्मीदवारों की तरह नहीं है, वहाँ तो फर्स्ट लैंग्वेज है यानी उनकी मादरी ज़बान उर्दू है, और यहाँ मादरी ज़बान उर्दू नहीं है, सीखनी पड़ती है वो ज़बान, उसमें जो जो बारीकियाँ हैं वो सब सीखनी पड़ती है। इसलिए मैयार के मुताबिक सिलेबस, निसाब, निसाबी किताबें सब तैयार यहीं पर की जाती हैं। नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट का दरवाज़ा हर एक के लिए खुला है जो ख़ास उर्दू की खिदमत करने का जज्बा रखते हों। नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट खुला है, उसका दरवाज़ा खुला है सबके लिए। यहाँ पर हम फ्री ट्यूशन देते हैं, असातिज़ा को इनक्रेज करते हैं कि वो लोग भी अपने यहाँ ट्यूशन दें। और उर्दू एक ऐसी सब्जेक्ट है जिससे लोग लुफानंदोज़ होते हैं, राइट। और इसको पढ़ने से एक तो उनको एक सब्जेक्ट मिल जाती है आसानी से, जहाँ पे स्कोरिंग मार्क्स ला सकते हैं, राइट। और तीसरी बात यह है, जब आला तालीम के लिए हिंदुस्तान या पाकिस्तान जाते हैं तो वहाँ पे ये ज़ुबान उनको बहुत मदद करती है। तो मैं कहूँगा कि खुल कर पढ़िएगा, मौका है यहाँ पे, यानी हम फ्री ट्यूशन देते हैं, इससे आप फ़ायदा उठाएँ या हमसे रابطہ कायम करें, हम किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उर्दू सीखें और पढ़ें। जैसे खालिद भाई कह रहे हैं कि इट्स ए प्लस, जैसे कि है एच एस, वो लोग यहाँ इम्तिहान में हिस्सा लेते हैं तो उनको जैसे कि एक प्लस होता है अपने एच एस सी पेपर्स में, सिलेबस में। और जैसे आप कह रहे हैं कि स्कॉलरशिप जैसे कि बहुत पहले नेशनल इंस्टीट्यूट की कोशिशों से ही कायम हुआ था हुकूमत हिंद के साथ, कि वो लोग इतने सारे स्कॉलरशिप देते हैं, शुरू हुआ था एक स्कॉलरशिप में लेकिन हर साल चार या पांच, कभी कभी छः भी चले जाते हैं, तो उसका भी यानी कि इट हेल्प्स। और अभी जाते जाते इंशाल्लाह पाकिस्तान से भी स्कॉलरशिप मिलने लगेंगे। और फिर इंस्टीट्यूट हो या उर्दू स्पीकिंग हो, ये मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा ना समझे कि इसे क्लोज सर्कल, एनी बडी इज़ वेलकम, राइट। जितने हम लोग हुए ओपन पीपल, कभी कभी ये भी मैं अच्छा बात आप सवाल पूछे कि कभी कभी वो कहते हैं कि यहाँ ये क्लोज सर्कल है, या ऐसी बात नहीं है, देखिए हम लोग ओपन हैं, राइट। और हमारा काम भी ओपन है, और जितने लोग भी साथ देने मांगे तो वो लोग द मोस्ट वेलकम। पहले से बहुत लोग साथ दे रहे हैं। जी जी, काफ़ी लोग साथ देते हैं, काफ़ी लोग साथ हैं, और काफ़ी काम भी हो रहा है जैसे कि आप जानते हैं। और लेकिन काम जो है, जो दिल का काम होता है और जो उर्दू का काम है, जो भी है, जितना भी आप करेंगे उतना ही लगता है और भी काम है, राइट। तो ऐसा नहीं कि हम इतना काम करने के बाद हम लोग सोचते हैं हाँ हम काफ़ी कर चुके हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि और भी काम है साथ, तो और भी लोगों की मदद हमें ज़रूरत है, और बिकॉज़ वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। उर्दू के ज़िम्न में जो असासा हमें हासिल हुआ है, उनकी हिफाजत और उन्हें फ़रोग़ देना हमारा फ़र्ज बनता है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। फूलों की महक बनके बिखर जाएगी उर्दू, ये वहम है ए दोस्त कि मर जाएगी उर्दू। नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन बोर्ड। इसी पर नाजरीन, आज का ये हमारा प्रोग्राम मुनहसर रहा। उम्मीद करते हैं इस प्रोग्राम से आपने ज़रूर इस्तेफादा किया होगा, और हम आपसे यही कहेंगे कि आप अपने बच्चों को उर्दू ज़बान सिखाएं, उनको पढ़ाएं। इसी के साथ ही नाज़रीन, ये महफिल यहाँ पर अख्तिताम पज़ीर होती है। आपकी तवज्जो के लिए बहुत शुक्रिया। अगली मुलाकात तक अनर को रुख्सत की इजाज़त।
खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।